हाथरस की गैंग पीड़िता का जबरन खराया अंतिम संस्कार। आम जनता में आक्रोश की लहर, विपक्षी पार्टियां लामबंद और हर तरफ आक्रोश का नजारा। इतनी भी जल्दी क्या थी कि परिजनों को नहीं करने दिया उसकी बेटी का अंतिम दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत खबर में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की पीड़िता बालिका की मौत हो जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुलिस ने लाख पूछने के बावजूद सिर्फ इतना ही कहा कि वो अंतिम संस्कार वाले स्थल पर किसी को जाने नहीं देगी, उसकी बस इतनी ड्यूटी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? परिजनों को अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिया गया? जिस जगह पर वो लाश जलाई जा रही, क्या वो एक्चुअल उसी की बालिका की लाश है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है? इन तमाम प्रश्नों के जवाब भी शायद उसी चिता में जलकर खाक हो गए। हर तरफ से छीछा लेदर होती देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने इस मामले में SIT गठित करने की बात कही है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम में DIG चंद्र प्रकाश और IPS अधिकारी पूनम को सदस्य बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए टीम को घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समयबद्ध ढंग से जाँच कराकर पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। CM ने उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत पर सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के जिस सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने कल आखिरी सांस ली थी उसके बाद अस्पताल के बाहर प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकाला गया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। जघन्य वारदात के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें फौरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने पुलिस द्वारा जबरन किए गए अंतिम संस्कार को घोर अमानवीयता बताया है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में दोषियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन क्या SIT की टीम जल्द से जल्द उन दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब हो पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई विशेष प्रयत्न कर पाएगी? खैर, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। जब तक इन सवालों का जवाब मिले तब तक आप अपने कानों पर हाथ रख के यूपी में हो रही विभत्स घटनाओं को सहने की आदत डालें। यूपी डेस्क से भारत खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।